आरोग्य जागृति। दर्शकों, आज हम एक विषय लेके आए हैं, बच्चों का कैंसर, जिसमें डॉक्टर तुषार इधाटे साहब जो बच्चों के ऊपर काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं, रक्त विकार तज्ञ भी है, हम इन्हीं से जानेंगे बच्चों में कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, लक्षण क्या है और ये कहाँ तक बीमारी अच्छी हो सकती है। डॉक्टर इधाटे सर हमें आरोग्य जागृति में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बच्चों में कैंसर होने वाले कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अभी ब्लड कैंसर तो हमें सबको पता है, बच्चों में होता है ये नहीं पता है, आनुवंशिक है, ये सभी हम उनसे जानेंगे। चलिए, नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार इधाटे, पीडियाट्रिक हीमाटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब छोटे बच्चे की खून की बीमारियाँ और कर्क रोग इसका स्पेशलिस्ट हूँ। मैं MGM हॉस्पिटल औरंगाबाद यहाँ पर 2016 से कार्यरत हूँ। मराठवाड़ा में छोटे बच्चों के लिए ये स्पेशलिटी का मैं फर्स्ट इसमें डॉक्टर हूँ। और जैसा कि आज हमारा जो विषय है ये है कि छोटे बच्चों में कर्क रोग होता है क्या, तो जिस हिसाब से बड़े लोगों में कर्क रोग हमें पता है और उसका जो डर है अपने मन में है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो रुग्ण है पेशेंट से लड़ाई लड़ते लड़ते कभी कभार अपने हाथ से फिसल जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में कर्क रोग होने का प्रमाण है। सबसे कॉमन जो है बीमारी छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर का है, जिसको खून का कर्क रोग ऐसा बोलते हैं। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर जो है सेकंड मोस्ट कॉमन, मतलब दो नंबर का इसमें कर्क रोग होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में भी किडनी का कैंसर, हड्डी का कैंसर, उसके अलावा अलग अलग तरह के सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर जिसको बोलते हैं, इस हिसाब से अलग अलग कैंसर जो है वो होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो चीज़ आज के आरोग्य जागृति के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि छोटे बच्चों के कर्क रोग का इलाज बहुत अच्छे से उपलब्ध है और इसमें से 70-80% बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो सही समय पे, सही जगह पे अगर इलाज इसका किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें ठीक हो जाते हैं। तो बड़े लोगों की तुलना में छोटे बच्चों के जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। लक्षण अगर आप पूछेंगे कि कर्क रोग होने के क्या लक्षण हैं, तो मुझे लगता है हम ब्लड कैंसर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्लड कैंसर में लंबे समय तक बुखार रहना, हड्डियों में दर्द होना, बच्चा सफ़ेद दिखना या बच्चे के शरीर पे लाल काले नीले धब्बे आना, वज़न कम होना, खाना कम होना, इस तरह के लक्षण जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। सर, ये बच्चों में कैंसर जो पाया जाता है, ब्लड कैंसर पाया जाता है, ये आनुवंशिक हो सकता है क्या और ये फैलने वाला है क्या, एक दूसरे से फैलता है क्या? देखिए, छोटे बच्चों में या फिर बड़े लोगों में कैंसर जो है ये आनुवंशिक बीमारी कुछ प्रमाण में अपने को दिखाई देती है। कुछ तरह के कैंसर है जो आनुवंशिक, मतलब एक पर्टिकुलर इसमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं, लेकिन आमतौर पे छोटे बच्चों का ब्लड कैंसर या आनुवंशिक बीमारी नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बीमारियां हैं जैसे फैंकोनीज एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, इन बच्चों में कर्क रोग होने का चांस बाकी लोगों से तुलना में ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल बच्चों में ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है। कैंसर संसर्गजन्य नहीं है, जिस हिसाब से हम कोरोना या कोविड अभी देख रहे हैं या फिर TB का बीमारी है, ये एक से दूसरे को फैलता है, उस हिसाब से कैंसर एक दूसरे से फैलता नहीं है। तो जिस बच्चों को या जिस आदमी को कर्क रोग हुआ है उसके साथ आप खाना खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे तो भी आपको उसमें कोई एतराज़ या आपको कोई उसमें से परेशानी नहीं होनी है। डॉक्टर साहब, अभी जो बताया जाता है कि बच्चों में अगर कैंसर पाया गया, ब्लड कैंसर पाया गया, तो देहात में अभी भी ये चल रही है प्रथा है, क्या यह पुराना पाप है, ये कहाँ तक सही है? और दूसरी बात सर, ये बीमारी होने के बाद माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है तो ऐसे टाइम में वो नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट की योजना या होने वाला खर्च ये कहाँ तक होता है सर? देखिए, कर्क रोग ये बीमारी ना तो माँ की वजह से या बाप की वजह से या पापा की वजह से बच्चों को होती है, ये बीमारी कोई किसी का पाप या किसी का दोष इसके वजह से नहीं होती है, ये बीमारी अचानक से होती है। जैसे कि 8 दिन पहले किसी को दिखाया, तब तक बच्चा ठीक था, अचानक से उसको बुखार आना शुरू हो गया, अचानक से सफ़ेद दिखने लगा, तो इसमें कोई तरह का किसी का लापरवाही या फिर किसी ने पहले के जन्म का है, ये सब चीज़ें आज के शास्त्रीय तौर पे इसको कोई मान्यता नहीं है। बीमारी है,
जिसके लक्षण हैं, जिसके ऊपर इलाज है और जिसका इलाज बहुत अच्छा है, ठीक है। जो खर्चे की बात आपने की, बेशक ट्रीटमेंट जो है थोड़ा लंबा चलता है, टोटल ट्रीटमेंट जो रहता है ब्लड कैंसर का बच्चों में 2.5 साल का रहता है, उसमें से 6 महीना जो रहता है वो इंटेंसिव ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, मतलब सीरियस ट्रीटमेंट रहता है, जो आपको बड़े हॉस्पिटल में ही आमतौर पर करना पड़ता है, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ इसके लिए अवेलेबल है, और खर्चा लगभग 5 से 6 लाख तक इसमें जाता है टोटल खर्चा। इसमें कई सारी सरकारी योजनाओं का हमें फ़ायदा मिलता है। मैं अगर हमारे हॉस्पिटल की बात करूँ, MGM हॉस्पिटल में, तो हम लगभग कम से कम 10 से 15 NGOs जो बोलते हैं अपन, बिन सरकारी संस्थाएं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, और लगभग 80 से 90% जो खर्चा है हॉस्पिटल की तरफ से पेशेंट के लिए खड़ा किया जाता है, और पेशेंट को सिर्फ 5 से 10%, मतलब 1 लाख से कम खर्चे में ये इलाज यहाँ पर हम पूरी तरीके से कर देते हैं। इलाज जो रहता है इसमें ज़्यादातर कीमोथेरेपी की दवाइयाँ रहती हैं। छोटे बच्चों में आमतौर पर ब्लड कैंसर के लिए कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और रेडिएशन का इस्तेमाल भी काफ़ी कम हो गया है, तो सिर्फ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ ही रहती हैं, जिसका छोटे बच्चे काफ़ी हद तक अच्छे से झेल पाते हैं, उनको बड़े लोगों की तुलना में साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं, और पूरी तरीके से ठीक होने का इसमें अपने को उम्मीद है कम से कम खर्चे में। बहुत से बड़े हॉस्पिटल्स जो है मराठवाड़ा में या फिर महाराष्ट्र में, भारत में कई जगह पे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी बहुत कम खर्चे में उपलब्ध है, तो मुझे लगता है कि सारे पेशेंट्स ने जिनको ब्लड कैंसर का बीमारी का निदान हुआ है या फिर कोई भी कैंसर छोटे बच्चों में, उन्होंने बेशक इसका इलाज करना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कैंसर बच्चों में कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, और बताया जा रहा है कि बोन मैरो करने से पूरा कैंसर ठीक होता है, तो इसको लगभग खर्चा कितना आता है? शुरू में बात किया कि बार बार बुखार आना, वज़न कम होना, भूख कम होना, इस तरह से पेट फूल जाना, शरीर पे काले नीले चट्टे आना, ऐसे जब लक्षण दिखते हैं तो आपको छोटे बच्चों के जो डॉक्टर रहेंगे आमतौर पे CBC या टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन कितना है, WBC पेशियाँ कितनी, प्लेटलेट पेशियाँ कितनी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये जानकारी से अपने को आगे चल के बोन मैरो एग्जामिनेशन, मतलब बोन मैरो का तपासनी करने का जरूरत बहुत बार पड़ता है, और अपने को इस बीमारी का निदान होता है। इलाज जैसा हमने अभी चर्चा की, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ रहती हैं, छोटे बच्चों में आमतौर पर कीमोथेरेपी की दवाइयों से ही बच्चे ठीक हो जाते हैं। जिन बच्चों का बीमारी कीमोथेरेपी की दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आता, या फिर जिनका बीमारी ठीक होने के बाद वापस आता है, उनमें आमतौर पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बड़े लोगों में, बहुत सारे पेशेंट्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो छोटे बच्चों में आमतौर पर कीमोथेरेपी से ही ये दवाई देने से ही बच्चे ठीक हो जाते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो इसको खर्चा 10 से 15 लाख तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो जाता है। महाराष्ट्र में कई सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट अभी बहुत कम खर्चे में, मतलब वापस से 1 या 2 लाख के अंदर, कम खर्चे के अंदर सरकारी योजनाएं बिन सरकारी संस्थाओं की मदद से उपलब्ध है, और कम से कम खर्चे में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी धीरे धीरे अवेलेबल अपने पेशेंट्स के लिए हो रहा है। डॉक्टर, बच्चों में कैंसर पाया जाता है, कैंसर का बीमारी होने के बाद माता पिता कुछ नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे माता पिता को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या जो बच्चा अपने हाथ से ना जाए इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए या अघोरी उपचार नहीं करना चाहिए? देहात में अभी भी और शहर में भी बहुत से देखा गया है कि बच्चों पे अघोरी उपचार हो रहा है, जो बच्चा बोल नहीं पाता है, जो बच्चा अपना तकलीफें नहीं बता पाता है, ऐसे पे अघोरी उपचार करके उसको सीरियस करते हैं, बाद में डॉक्टर के पास, ऐसे माता पिताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हमने शुरू में बात किया है कि कर्करोग के लक्षण हमें अगर पता है, उसके ऊपर इलाज है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई अपने मन में शक नहीं रहना चाहिए कि इसका इलाज एलोपैथी के ट्रीटमेंट से करना है या नहीं करना है। दुर्भाग्य से अभी तक इसके ऊपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उनानी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी लोकल ट्रीटमेंट से ये बीमारी ठीक नहीं होता है, तो हमें एलोपैथी का ही ट्रीटमेंट करना है। हाँ, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके कुछ नुकसान है, उसके ट्रीटमेंट के दरम्यान अपने को कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है, हमेशा दिक्कत आती है, लेकिन वो सब फेस करने के बावजूद उससे अपन रास्ता निकाल के अगर 70 से 80% बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, और हम पूरी तरीके से ठीक का मतलब वो स्कूल में जा रहे हैं, आगे उनकी शादी हो रही, उनको बच्चे हो रहे, तो इससे ज़्यादा हमें रिजल्ट्स मुझे लगता नहीं कि और कोई ट्रीटमेंट से मिलने वाला है।
तो इधर उधर अगर आप समय उसमें बर्बाद करेंगे तो उसमें आपका पैसा खर्चा होता है। और दूसरी बात, जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो बच्चा जो शुरू में कम रिस्क में रहता है, जिसको हम स्टेज बोलते हैं, जो पहली स्टेज में जो कैंसर रहता है, वो फैल के चौथे स्टेज में अगर आप बच्चे को लेके आएंगे तो वो बच्चे को ठीक करना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और कई बच्चे जो हमारे पास अभी हमारे हॉस्पिटल में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो दो चार जगह पे घूम के महीना पहले हम उनको यहाँ पे भेजा रहता है, एक दो महीना समय जाके फिर आते, वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे की तबीयत ऑलरेडी काफ़ी हद तक सीरियस हो गई रहती है। तो मेरा एक ही टिप रहेगा, अगर आपके बच्चों को आपको बार बार बुखार आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, पेट पे सूजन है, शरीर पे कहीं पे काले नीले चट्टे दिखाई दे रहे हैं, या फिर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बीमार गिर रहा है, तो आपके नज़दीक के छोटे बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है। वो आपको CBC ये एक टेस्ट बताएंगे, खून का मायना। अगर उसमें उन्होंने आपको बताया कि ये बच्चे को आगे जाने की ज़रूरत है, इसको बोन मैरो का जांच करना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है आपको बिना समय बर्बाद किए आपके नज़दीकी शहर में जो भी छोटे बच्चों के रक्त विकार और कर्करोग तज्ञ, उनसे सलाह मशवरा करके आगे की जाँचें करनी चाहिए। और अगर ये इलाज निदान अगर बीमारी का होता भी है तो बिना डरे इसमें हिम्मत रख के कि अपना बच्चा इसमें से ठीक ही होने वाला है रख के आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। आपको योजनाओं के बारे में हमने बताया कि सरकारी मदद है, बिन सरकारी कई सारी संस्थाएं हैं जो इस बच्चों के लिए मदद करना चाहती है, वो सब फैसिलिटी कई सारे शहरों में अवेलेबल है, उसका अपने को फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने बच्चों को पूरी तरीके से कोशिश करके ठीक करना चाहिए। आरोग्य जागृति।